गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का बड़ा खुलासा। कहा, कांग्रेस नेताओं ने उन्हें गुजरात में ज्यादा प्रचार करने से रोका था। गुजरात में चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया, तमाम दलों की नजर अब 14 दिसंबर को होने वाली वोटिंग पर है। लेकिन इन सबके बीच अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में है तो वो है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। राहुल गांधी ने जिस तरह से सधे अंदाज में इस बार चुनाव प्रचार किया, उससे बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आई। राहुल के चुभते सवालों से बीजेपी इस कदर घायल हुई कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उबर नहीं पाई। हालांकि इसका पूरा श्रेय राहुल गांधी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक अगर वो कांग्रेस नेताओं की बात मान लेते तो शायद आज वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव में जीत का दावा नहीं कर रहे होते। दरअसल जीएसटीवी को दिए अपने इंटरव्यू में राहुल गांधी ने खुलासा किया है कि जब वो गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे तब कांग्रेस नेताओं ने उन्हें सलाह दी थी। राहुल के मुताबिक कांग्रेस नेताओं की तरफ से उनसे कहा गया था कि आप गुजरात में ज्यादा प्रचार मत कीजिए। हालांकि राहुल ने अपनी पार्टी नेताओं की सलाह को मानने से इनकार कर दिया और दो टूक कह दिया कि मैं चुनाव प्रचार करूंगा। बकौल राहुल, अपने नेताओं की सलाह पर उन्होंने गीता का उद्धरण दिया और कहा कि गीता में लिखा है, काम करो फल की इच्छा मत करो। राहुल ने कहा कि मैंने गुजरात में दिल से काम किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव का नतीजा भले ही जो भी आए, लेकिन गुजरात के लोगों ने जो प्यार दिया है उसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने करीब 30 से ज्यादा चुनावी रैलियां की। राहुल ने अपनी ही पार्टी नेताओं की सलाह को नजरअंदाज कर भले ही गुजरात में जमकर चुनाव प्रचार किया हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर राहुल को गुजरात में ज्यादा प्रचार नहीं करने की सलाह कांग्रेस नेताओं ने क्यों दी। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।